Why always India and Pakistan are in the same group in every World Cup? वैसे जब भी इंडिया का मैच होता है तो उसकी व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ जाती है। पिछले वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप के मैचेस में टॉप 5 पीक कॉन्करेंट व्यूज में सभी में इंडिया है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों एक ही ग्रुप में थे और इस साल के T20 वर्ल्ड कप में भी एक ही ग्रुप में इनको रखा गया है। जब भी इंडिया वर्सेस पाक का मैच होता है तो इसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ग्रेन 60% ऑफ द टूर्नामेंट व्यूअर्स। अगर हम टॉप 5 फेवरेट मैचेस की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने उस मैच को देखा है, तो उसमें से तीन तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ही है। 5th पर है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 का वर्ल्ड कप, जिसको 300 मिलियन व्यूअर्स थे उसके अंदर। फिर 4th पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2015 का ही वर्ल्ड कप था, उसमें 313 मिलियन व्यूअर्स थे। 3rd पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का, उसमें 324 मिलियन व्यूअर्स थे। 2nd पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल, इसमें 495 मिलियन व्यूअर्स थे। इन द लास्ट वन इज 1st पर है, जो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, जो कि 2011 का फाइनल था, इसमें 558 मिलियन व्यूअर्स थे। और अगर हम टिकट्स की बात करें तो इंडिया के पाकिस्तान के मैच में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट देखी जाती है और काफ़ी जल्दी भी सोल्ड आउट हो जाती है। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे महंगे टिकट 57.15 लाख की थी, लेकिन इस 2024 के वर्ल्ड कप की प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि USA में मैच हो रहा है। इसमें सबसे चीपेस्ट प्राइस 1.04 लाख का है और सबसे एक्सपेंसिव टिकट 1.86 करोड़ का है। इसलिए आईसीसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखते हैं क्योंकि आईसीसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और आपने कई बार देखा होगा कि एशिया कप में भी इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं। इंडिया पाकिस्तान को ग्रेटेस्ट राइवलरी का नाम दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसमें इंडिया का वन साइडेड डोमिनेशन है क्योंकि इन दोनों के बीच 8 ODI वर्ल्ड कप खेले गए, इसमें 8ों इंडिया जीती है, और 7 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए, उसमें से 6 बार इंडिया जीती है, वो एक बार 2021 में जीत गई थी पाकिस्तान। इंडिया ने वैसे लास्ट बार 2012 में बायलैटरल सीरीज खेली थी पाकिस्तान से, उसके बाद बायलैटरल सीरीज अभी तक नहीं खेली है, लेकिन तो भी वर्ल्ड कप के मैचेस खेलती है। वैसे ऐसे नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप के मैचेस अगर आप बायलैटरल नहीं खेलते। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर बायलैटरल मैचेस नहीं खेल रही है तो उसको वर्ल्ड कप के मैचेस भी नहीं खेलने चाहिए। ऐसा गौतम गंभीर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आई डोंट बिलीव दैट इंडिया शुड प्ले विद पाकिस्तान इन एनी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस अंटिल द सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज इंप्रूव। बस ये वीडियो यहीं तक, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इससे तुम्हें कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू गाइस।